हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। एक इस तरीके का गेम है, ठीक है, जिसको हम घुमाते हैं और अभी ये रुका हुआ है। किस पे रुका हुआ है? 1 पे, ठीक है। तो अभी पूछेगा कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्पिनिंग का गेम है, अभी वो रेस्ट पॉइंट पे, और रेस्ट पॉइंट किस पे है? 1 पे। तो यहाँ पर अभी रुका हुआ है 1 पे, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एट 8? तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि 8 है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि 8 आने की क्या चांसेस हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, तो पॉइंट एट 8, वो 8 एक ही बार आ सकता है ना, क्योंकि इस पूरे आउटपुट में देखो आप एक ही बार 8 है, तो हम क्या लिखेंगे? ओनली एक बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकाले हम, गेटिंग पॉइंट एट 8, तो क्या आएगा? 1/8। इस तरीके से खत्म हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला आपका एक ही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये लिखने से पहले ना आप क्वेश्चन में मेंशन जरूर कर देना क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमने 8 की निकाल ली, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निकालना ऑड नंबर, ओके। तो बी पार्ट में हमने क्या निकालना है? ऑड नंबर। तो मुझे ये बताओ कि इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 में से ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, या 2 की टेबल में नहीं आते। तो ये हो गया 1 3 5 और 7। तो ऑड नंबर जो हुए हैं वो टोटल हुए हैं 1 3 5 और 7। अगर इन्हें काउंट करें तो टोटल हुए हैं 4, ओके। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, of getting an odd number, तो क्या होगी फॉर्मूला बताओ? odd number upon total number of outcomes। इसी तरीके से तो रखते हैं। odd number कितने हैं? total 4 है, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूँ 4 upon टोटल नंबर कितने हैं आउटकम्स, वो है 8। कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 1/2, और हम कहें तो 0.5। अगर प्रोबेबिलिटी को पॉइंट में लिख के आते हो गाइस, अच्छी बात है, पॉइंट में ही मेंशन करो, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो किस किस के बीच में आती है? 0 से बड़ी आएगी, राइट, और 1 के बराबर होती है, 0 के बराबर या बड़ी, और 1 से छोटी और उसके इक्वल, ठीक है। इसलिए पॉइंट में लाना अच्छी बात है, आपके आधे नंबर कट सकते हैं अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट, नंबर ग्रेटर देन 2, वो नंबर जो 2 से बड़े होंगे। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है? 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ग्रेटर देन कौन कौन से नंबर है? वो है 3 4 5 6 7 और 8। टोटल नंबर कितने हैं ये? 6, ओके। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 लिखेंगे, नंबर ग्रेटर देन 2 अपॉन व्हाट? टोटल नंबर ऑफ
से बड़े कितने नंबर है? अभी हमने देखा था 6, इनको जब हमने काउंट करा था, और टोटल नंबर कितने है 8, इसको कैंसिल करेंगे क्या आएगा 3/4। फोर्थ पार्ट है, कह रहा है नंबर लेस देन 9, वो नंबर जो 9 से छोटे होंगे तो हम इसे रब कर लेते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अ नंबर लेस देन 5, तो नंबर लेस देन 9, सॉरी, तो 9 से छोटे कौन कौन से नंबर है? सारे नंबर जो है इस पे स्पेलिंग में आपको दिख रहे हैं 9 से छोटे हैं, तो पूरे 8 नंबर हैं जो 9 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9, तो क्या होगी? गेटिंग को हटा देते हैं, सीधा लिख देते हैं नंबर लेस देन 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 9 कितनी बार? 9 से छोटे नंबर कितने हैं? 8, तो हम यहां लिखते हैं 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? वो भी 8 है, कैंसिल करा 1। तो मैंने बताया था जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है वो क्या होता है? श्योर इवेंट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।